Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेट के लिए हल्का फुल्का सा नाश्ता जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, झटपट से बन जाता है और अगर आप इस तरीके से दलिया बनाकर खाएंगे ना, आई एम डैम श्योर कि मैगी भी इसके आगे आपको फीकी लगने वाली है क्योंकि इतने अच्छे तरीके से बनाया है। किसी की तबीयत खराब है घर में, पेट खराब हो रहा है तो इस दलिया को जरूर ट्राई करें या फिर अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तब भी ये दलिया बनाकर खा सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले कुकर में मैंने लिया है केवल 1 चम्मच घी। घी में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा जीरा। जीरे के साथ साथ ऐड करूंगी हींग। कितना ऐड कर रही हूँ सभी की क्वांटिटी लिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो वहां से चेकआउट कर लें। जीरा डालने के बाद अब बारी आती है हींग डालने की। जब जीरा हल्का हल्का क्रैकल होना स्टार्ट हो गया है तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हींग। आप देख सकते हैं घी भी मैंने बहुत ही थोड़ा सा यूज़ किया है तो बहुत हेल्दी है और इसके अंदर हम थोड़ा सा ना तड़का लगाएंगे ताकि टेस्ट अच्छा है। अगर आप जनरली दलिया केवल उबाल कर खाते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं टेस्ट देता है, तो इसलिए मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च कट करके रखी हुई है। अगर आपके पास कोई और भी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि लौकी तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जब प्याज हल्की सी फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक ताकि प्याज बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो नमक ऐड करने के बाद एक दो बार और प्याज को इस टाइप से स्टर कर देते हैं। अब जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो गई है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, शिमला मिर्च और इन दोनों को भी थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेंगे। हम इसको हल्का हल्का फ्राई इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका फ्लेवर अच्छा है, अदरवाइज अभी हम इसको बॉईल करने वाले हैं तो पक तो ये तब भी जाएंगी, लेकिन इसको फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे आए। तो आप देख सकते हैं प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गई है, शिमला मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो बारी आती है अब टमाटर को ऐड करने की। तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और टमाटर ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड करेंगे जो कि हमारे दलिया को बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा, कलर देगा और टेस्ट देगा। तो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च सभी को आपस में मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी ताकि दलिया में कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाए। थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी किचन किंग, आप चाहें तो ऐड करें, अगर आपका पेट खराब है तो अवॉइड करें। थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए, ध्यान रखिए नमक पहले भी ऐड कर चुके हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ऐड करना है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे ताकि टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च में सभी मसाले अच्छे से पक जाएं और उसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप देख सकते हैं टमाटर काफ़ी हद तक पक चुका है तो बस हमें यही चाहिए था। अब इसके बाद बारी आती है दलिया ऐड करने की। ये जो दलिया मैं यूज़ कर रही हूँ ये गेहूँ का दलिया है, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत हेल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें रेशो किस तरीके से रखना है वो देख लीजिए। मैंने 1 कटोरी दलिया लिया है, उसी सेम कटोरी से मैं यहाँ पर 5 कटोरी पानी ऐड करूँगी। आपको रेशो यही रखना है। वीडियो के स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी दिखा चुकी हूँ, अगर आपको यही कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप 5 कटोरी पानी ऐड कीजिए। अगर आप चाहते हैं थोड़ा थिक रखना तो आप 4 कटोरी पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर पेट खराब है तो मैं आपको बताऊंगी कि इतनी ही पतली कंसिस्टेंसी में इसको बनाइए। उसके बाद आपको लिड लगा देनी है, 5 विसिल लेनी है, फर्स्ट विसिल हाई फ्लेम पर और बाकी की 4 लो फ्लेम पर। उसके बाद जब प्रेशर निकल जाए देन जस्ट लुक एट दिस, वाओ इट्स लुकिंग सो यमी। मतलब कोई कह ही नहीं सकता है कि ये पेट खराब के लिए हमने बनाई है। इतनी डिलीशियस डिश अगर आपको तबीयत खराब में भी मिल जाए ना तो आप उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से हमारा दलिया बनकर तैयार हो गया है। लास्ट में इसको हरी धनिया से गार्निश कर दीजिए, एक बार ट्राई कीजिए और आपके घर में सबको कैसी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखिए। आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्पेशल रेसिपीज के साथ। कुछ रेसिपीज अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। इस रेसिपी का फीडबैक भी प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।